हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं वीएस रिव्यूज। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाली हैं ASUS ROG मोबाइल फोन का फुल रिव्यू। तो अगर आप गेमिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें तो इंडिया में गेमिंग फ्लैगशिप फोन के सेगमेंट में बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर के साथ। लेकिन जिसमें हम ROG ASUS मोबाइल अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इस गेमिंग सेगमेंट में। वैसे तो जो ROG सीरीज़ है वो हमेशा से ही अपने दमदार स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ आती है, लेकिन इस बार इसमें हार्डवेयर को भी काफ़ी अच्छा एक प्रोवाइड किया है प्लेटफॉर्म और एक्स्ट्रा गेमिंग एक्सेसरी के साथ आपको दी जा रही है। तो इसी लाइनअप में कंपनी ने ROG फोन 3 को इंडियन मार्केट में पेश किया, और ये लेटेस्ट चिपसेट और कैमरा सेटअप वाली डिज़ाइन का एक शानदार हार्डकोर गेमिंग डिवाइस कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये सच है, तो जानने के लिए इसके डिटेल रिव्यू में देखते हैं। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन शुरू करें तो इस जो डिवाइस है इसका आपको डिस्प्ले मिलता है 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। चिपसेट में आपको 3.1 GHz का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर मिलता है, और इसके अलावा एड्रीनो 650 का GPU। रैम में हम आपको बताएं तो इसमें दो वेरियंट हैं, 8GB और 12GB का, और स्टोरेज में ही वैसे 128GB और 256GB आपको देखने को मिलती है। ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 10 पर आधारित है, और इसमें अगर ऑडियो की फीचर की बात करें तो ड्यूल फ्रंट स्पीकर देखने को मिलते हैं, गेम FX एंड डायरेक्ट HD साउंड आपको देखने को मिलती है। रियर कैमरा में हम आपको बताते हैं, इसमें 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और फ्रंट में आपको सिर्फ 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको 6000 mAh का इसमें बैटरी बैकअप है विद 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा इसमें आपको GPS, ब्लूटूथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी, ये सब तो मिलता ही है। और प्राइस बताएं तो 8GB वेरियंट का जहाँ प्राइस है 50,000 रुपीज़, वहीं 12GB वेरियंट का प्राइस आपको मिलता है 58,000 रुपीज़। और अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदा है तो गाइस आपको बताते हैं कि इसके कंटेंट बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बॉक्स का कंटेंट है ROG फोन 3 का हैंडसेट, 30W फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, चार्जिंग केबल, एरो केस, ROG स्टीकर, पेपर मैनुअल एंड सिम इजेक्टर पिन। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं ROG मोबाइल फ़ोन 3 के फुल रिव्यू के साथ, और शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड से। वैसे तो जो ASUS के जितने भी ROG सीरीज़ के ये जो मोबाइल हैं वो लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन हमेशा डिज़ाइन में बेहतर होते जाते हैं, और इस साल भी फ़ोन काफ़ी दमदार देखने को मिल रहा है। पीछे की तरह से अगर देखें तो डिवाइस हमें एक मॉडल की तरफ दिखेगा, और फ़ोन में आपको मिलेगी कॉपर की पाइपिंग, सिल्वर कोटिंग के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी ने गेमिंग डिवाइस होने के बाद भी इसके डिज़ाइन पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। सबसे खास बात यह है कि फ़ोन को लैंडस्केप मोड में गेमिंग के लिए ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, और आपको मिलता है रेगुलर चार्जिंग पोर्ट के अलावा साइड में एक और एक्स्ट्रा टाइप सी पोर्ट, ताकि गेमिंग के समय आपको चार्ज करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा पीछे की तरफ बैक पैनल पर आपको कूल कस्टमाइज RGB ROG लोगो भी दिया गया है, और साइड पर मिलता है एयर ट्रिगर जो गेमिंग को आसान बना देते हैं। तो जो हीट कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, ASUS ने हर साल की तरह इस साल भी जो चिपसेट के हिसाब से वेंट को डिज़ाइन किया है ताकि हीट डिसिपेशन आसानी से हो सके। इसी वजह से एरो एक्टिव कूलर का आप पीछे किसी मॉडल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी में है, और एयर वेंट की वजह से ही डिवाइस वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब बेहतर गेमिंग के लिए यूज़र IP रेटिंग को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। और फ़ोन का साइज़ और वेट अगर हम बताएं तो ये ROG फ़ोन 2 की तरह ही है, और जो डिवाइस का साइड फ्रेम है वो मेटल का बना हुआ है, जबकि डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और ASUS ने बॉक्स में एरो केस भी दिया है जो फ़ोन के वेट को इंक्रीज़ नहीं करता बल्कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्टेड रखता है। और अगर हम इसके डिस्प्ले और एयर ट्रिगर फीचर की बात करें तो 6.59 एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल तो इसमें है ही, इसके अलावा आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन कंपनी ने कुछ इस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड बनाया है कि जो ऑटोमेटिकली 144 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़ और 60 बीच
हर्ट्स के बीच में ये जो रिफ्रेश रेट है ये स्विच हो सकता है, तो ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ कर देता है। और इसके डिस्प्ले पैनल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ROG पे बेस्ड ऑलवेज ऑन मोड एंड डॉक मोड भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर की, तो आपको बेस्ट इन क्लास हार्डवेयर इस मोबाइल में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट के साथ। जो गेम मोबाइल है, इस गेमिंग मोबाइल में आपको एक्स मोड भी दिया गया है जो आपको एक सेटिंग के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के अंदर आपको गेम जीनी टूल बार देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा गेम टूल है और इसके हेल्प से आप इजीली रिफ्रेश रेट में चेंज कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, फ्लोटिंग एप्लीकेशन ये सभी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस इस हिसाब से अगर हम बोलें तो एक दमदार हार्डवेयर गेट और बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस और शानदार डिस्प्ले क्वालिटी विद लंबी बैटरी बैकअप ये सब आपको एक ही मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। बस इसकी एक जो कमी है वो इसका लो लाइट कैमरे परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि अगर हम कैमरे की बात करें तो यह OnePlus 8 Pro और Vivo X50 Pro जैसे फ्लैगशिप मोबाइल दोनों से ही थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन गेमिंग के लिए आप कैमरा को साइड ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस उस हिसाब से हम बात करें तो ये एक दमदार स्मार्टफोन है जो काफ़ी समय तक टॉप सीरीज में बना रह सकता है, क्योंकि आपको गेमिंग फीचर के साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है और यही इस मोबाइल को एक ऑलराउंडर बना देता है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन। तो गाइस अगर आप ये मोबाइल लेना चाहते हैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करने के लिए, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।